मेरी क्लासमेट साकुरा यामागुची का अंतिम संस्कार एक बारिश वाले दिन हुआ, पर सिर्फ मैं ही था जो वहां पर नहीं था। मैं घर में ही पड़ा रहा तुम्हारे लिए। हाँ? तुम्हारी जिंदगी के क्या मायने हैं? जीना मतलब दूसरों के साथ जुड़ना, शायद जीने का मतलब यही है, किसी का ख्याल रखना, किसी को प्यार करना, किसी से नफरत करना, किसी के साथ मजे करना, किसी के हाथ पकड़ना, मगर जीने का यही मतलब तो है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम सच में मरने वाली हो? हाँ बिल्कुल। पहले कुछ करना नहीं चाहते? मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया और मैंने जो उससे लिया था उसे वापस करने का वादा तोड़ दिया। समझते क्या हो? तू जैसे सुस्त और अकेले लड़के के साथ क्यों है? मेरे पैंक्रियास काम करना बंद कर चुके हैं और जल्द ही मैं मर जाऊंगी। एक मिनट, तुम इसे मजाक तो नहीं समझ रहे हो ना? आखिर तुम जानते ही क्या हो? मुझे दूसरों से मिलने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं खुद में ही रहता तो ज्यादा खुश रहता। ये सच नहीं है। मुझे से के बजाय तुम्हें किसी ऐसे के साथ होना चाहिए जो कि वाकई में तुम्हारी चिंता करता हो, जैसे कि क्यों को। वैसे भी तो इत्तेफाक से ही तो एक दूसरे से मिले थे। माफ कर दो। वाकई खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, बस थोड़े और वक्त के लिए। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर भी पाऊंगा। तुम मरने वाली हो मेरा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सोचा कि मैं उससे कन्फेस करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मरने से पहले तुम्हें बता दूंगी। मैं भले ही तुम्हें कभी दिखाता नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ हमेशा से। खबर ये भी तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूँ? हाँ बहुत ज्यादा। गवाहों के मुताबिक लड़की जो कि पास के ही हाई स्कूल जाती थी, यामाउची साकुरा सैन 17 को सीन से छोटी सड़क पर गिरे हुए पाया गया। हमारे दूसरों से रिश्ता ही हमारे जीवन को मतलब देती है।